नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल नॉलेज में। दोस्तों मैं यश बिंद कुमार, आज हमने एक प्लान का डिजाइन किया दोस्तों, जिसका साइज है, इसका लेंथ में दोस्तों 50 फीट है और विड्थ में दोस्तों 20 फीट है, जिसमें कि हमने ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन किया है, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का डिजाइन किया है दोस्तों। तो ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों हमने ओपन एरिया रखा है, पार्किंग एरिया बनाया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों स्टेयर केस बनाया है और दो इसमें बेडरूम बनाया है, एक हॉल और दोस्तों यहाँ पे हमने दो बाथरूम बनाया है। तो चलिए दोस्तों इसका हम आपको रियलिस्टिक व्यू दिखाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपने व्यू देखा दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको इस प्लान में दोस्तों 20x50 प्लान में दोस्तों आपको फ्रंट से एक रोड मिल रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने गेट का डिजाइन किया है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन है दोस्तों। और इसमें हमने जो गेट लाइट लगाया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक लग रहा है दोस्तों। और जो हमने फर्स्ट फ्लोर में डिजाइन किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने रेलिंग लिया है तो ग्लास पैनल का रेलिंग लिया है, और जो हमने दोस्तों यहाँ पे पिलर वगैरह का डिजाइन किया तो राउंड शेप का पिलर है, और जो हमने सेलिंग फैन में और दोस्तों यहाँ पे जो हमने सेलिंग के लिए यूज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग फैन लगाया है ग्राउंड फ्लोर में भी और फर्स्ट फ्लोर में भी, और सेलिंग लाइट का यूज किया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमने स्टेयर केस में प्रॉपर लाइट के लिए यहाँ पे विंडो का यूज किया है, और सेकेंड फ्लोर में भी हमने रेलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे ग्लास पैनल का डिजाइन किया है और ब्रिक का डिजाइन किया है, और हेडर रूम में भी हमने विंडो का फिट किया ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर लाइट मिल सके दोस्तों स्टेयर केस में। और आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों जो हेडर रूम है उसके ऊपर हमने टंकी वगैरह का एडजस्टमेंट किया है, जो पानी का टंकी है दोस्तों उसका एडजस्टमेंट किया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं यह प्लान जो है कैसा लग रहा है दोस्तों। और रूफ एरिया दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है, और जो इस शेप का डिजाइन हमने किया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए डिजाइन किया है, जिससे कि आपका दोस्तों बाथरूम और जो हमारा बेडरूम है दोस्तों उसका प्रॉपर तरीका से वेंटिलेशन वगैरह होते रहे दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने बाथरूम के विंडो भी फिट किया है, और जो हमने बेडरूम का विंडो लगाया है दोस्तों उसको भी फिट किया है। और बैक साइड से आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे किचन के लिए विंडो को फिट किया है, और यहाँ पे हमने बेडरूम के लिए भी विंडो को फिट किया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ग्राउंड फ्लोर में आपको टॉप व्यू से लेकर चलते हैं और इसका प्रॉपर आपको डायमेंशन बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने ग्राउंड फ्लोर के टॉप व्यू प्लान में आ गए हैं दोस्तों। टॉप व्यू में आने से यही फायदा होता है दोस्तों कि आपको टोटल जो फर्नीचर वगैरह का एडजस्टमेंट है दोस्तों वो पता चलेगा दोस्तों। तो आप फ्रंट से भी देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक है, और जैसे ही दोस्तों गेट के जरिए आप आते हैं ओपन एरिया में, जिसमें आप यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं और बाइक वगैरह को भी आसानी से आप यहाँ से पार्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने सरफेस में लिया है दोस्तों मार्बल का यूज किया है, तो यहाँ पे जो ओपन एरिया है दोस्तों उसका जो लेंथ है 9 फीट 8 इंच है, और उसका जो विड्थ है दोस्तों 19 फीट 3 इंच है। और हमने घर के अंदर जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर स्टेयर का डिजाइन किया है, तो आप जैसे ही इस स्टेयर के जरिए दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए यूज करेंगे दोस्तों तो आप पहुंचेंगे यहाँ पे पार्किंग एरिया में, जिसका जो लेंथ है दोस्तों 12 फीट 3 इंच है और इसका जो विड्थ है दोस्तों 8 फीट 3 इंच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो स्टेयर का डिजाइन, और स्टेयर में दोस्तों हमने
मार्बल का यूज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो स्टेयर का लेंथ है 6 फीट 8 इंच है और इसका जो विड्थ है दोस्तों 9 फीट 10 इंच है। और आप यहाँ पे स्टेयर को प्रॉपर स्टोरेज पर्पस के लिए भी ले सकते हैं दोस्तों। और जो हमने बाहर से स्टेयर दिया दोस्तों, आप यहाँ पे अगर चाहेंगे तो फ्यूचर में इस घर को रेंट पर भी लगा सकते हैं दोस्तों। और जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रंट में भी हमने एक डोर को फिट किया, डबल पैनल का गेट है, इसका जो विड्थ है दोस्तों 5 फीट है। तो आप जैसे ही दोस्तों इस गेट के जरिए आप घर के लिए अंदर आते हैं दोस्तों, तो आप पहुँचते हैं हॉल में। तो जो हॉल का जो विड्थ है दोस्तों 8 फीट 3 इंच है और इसका जो लेंथ है दोस्तों 14 फीट 8 इंच है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़ा हॉल एरिया है दोस्तों। और हमने इसी में दोस्तों हमने एक मास्टर बेडरूम का डिजाइन किया है। तो जो बेडरूम है दोस्तों, उसका जो लेंथ है 9 फीट 10 इंच है और उसका जो विड्थ है दोस्तों 10 फीट 7 इंच है। और जो हमने कॉमन बाथरूम यहाँ पे बनाया दोस्तों मास्टर बेडरूम के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो लेंथ है दोस्तों 5 फीट है और उसका जो विड्थ है दोस्तों 7 फीट है। और हमने यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोस्तों ओपन वेंटिलेशन रखा है, ताकि आपका यहाँ पे मास्टर बेडरूम का भी वेंटिलेशन होता रहे और जो हमने 2 कॉमन बाथरूम बनाया है दोस्तों उसका भी होता रहे, जिसमें हमने प्रॉपर विंडो वगैरह को फिट किया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने सेकेंड बाथरूम का जो डिजाइन किया दोस्तों, तो उसका जो लेंथ है दोस्तों 6 फीट है और उसका जो विड्थ है दोस्तों 7 फीट 2 इंच है। और जो हमने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो डिजाइन किया दोस्तों, उसका जो लेंथ है 3 फीट है और उसका जो विड्थ है दोस्तों 4 फीट है। और जो हमने सेकेंड बेडरूम का डिजाइन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंड बेडरूम का जो डिजाइन है दोस्तों, उसका जो लेंथ है 11 फीट 2 इंच है और उसका जो विड्थ है दोस्तों 11 फीट है। और इस बेडरूम के जस्ट बगल में हमने किचन का डिजाइन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किचन का साइज जो है दोस्तों लेंथ में 7 फीट है और विड्थ में दोस्तों 7 फीट 10 इंच है। और यहाँ पे हमने किचन से ही बगल में दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं किचन से ही इसका डोर को फिट किया है, ताकि आप इसका स्टोरेज पर्पस के लिए ले सकते हैं। जो भी आपका राशन पानी है दोस्तों इसमें आप डाल सकते हैं। उसका जो लेंथ है 3 फीट 10 इंच है दोस्तों और उसका जो विड्थ है दोस्तों 4 फीट है। और जो हमने यहाँ पर भी दोस्तों वेंटिलेशन ओपन वेंटिलेशन रखा है, तो उसका जो लेंथ है 3 फीट है और उसका जो विड्थ है दोस्तों 4 फीट है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आपको फर्स्ट फ्लोर में लेकर चलते हैं और बताते हैं उसका पोर्च एरिया का जो साइज है दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने पोर्च एरिया का जो साइज रखा है दोस्तों, तो विंडो की तरफ से इसका जो लेंथ है दोस्तों 3 फीट है और हमने फ्रंट से रखा है दोस्तों उसका जो लेंथ है यहां पे, तो उसका जो लेंथ है दोस्तों यहां पे 8 फीट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया इसका लुक है। और इसका जो विड्थ है दोस्तों 19 फीट 3 इंच है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह जो प्लान हमने डिजाइन किया दोस्तों कैसा है। और मैं आशा करता हूँ कि यह प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अगर किसी भी होम से रिलेटेड वीडियो डालूँ दोस्तों, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी से वॉच कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।